चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब पार्टी के बैनर पोस्टर से हरीश रावत का फोटो गायब हो गया है। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए पोस्टर में हरीश रावत का फोटो गायब है। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में कलह मची हुई है। ये चुनाव हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा गया था, इसलिए कांग्रेस नेताओं का एक गुट हरीश रावत को लगातार टारगेट कर रहा है। देहरादून में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है, इन पोस्टर्स में हरीश रावत की फोटो नहीं है। इस पोस्टर को गौर से देखिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का फोटो नजर आ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ और नेताओं के फोटो भी है, मगर पोस्टर में ना हरीश रावत का फोटो है। सियासी गलियारों में इन पोस्टर्स को लेकर चर्चा हुई है, पार्टी सफाई दे रही है। मुझे लगता है ये जो बैनर होर्डिंग है ये पीसीसी का आधिकारिक होर्डिंग नहीं है। अगर पीसीसी के तहत ये होर्डिंग लगी होती तो हम इस पे प्रश्न उठा सकते थे। ये कार्यकर्ताओं ने अपने मन से लगाया हुआ है। अब हम किसी कार्यकर्ता को ये फोर्स नहीं कर सकते कि उसको किसकी फ़ोटो लगानी है किसकी नहीं है। कार्यकर्ता का अपना मन है, वो जिसकी फ़ोटो लगाए या ना लगाए। बट जिसने भी ये किया है मुझे लगता है ये पॉलिटिकल तौर पर एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने के नाते ये अच्छा जो प्रेसिडेंट नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बिल्कुल फोटो भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश गोडियाल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं हरीश रावत भी कह चुके हैं उन्होंने चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन पद को छोड़ दिया है। मगर कांग्रेस की ये लड़ाई अभी लगता नहीं है यही रुकने वाली है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े सियासी बवंडर उठने की आशंका है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।